Open Court is brought to you by Wellness Path Care. Wellness Pathcare, a reliable name in preventive health checkup. Wellness Pathcare has a team of highly experienced pathologists gives you the most accurate and reliable results. www.wholebodycheckup.com. नमस्कार, मैं हूं नवनीत चतुर्वेदी और हर हफ्ते की तरह इस बार भी इस शनिवार को मैं फिर आपके लिए लाया हूं ओपन कोर्ट। ओपन कोर्ट जिसका एक खास मकसद होता है जनता की मुद्दों को एक मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से जनता की अदालत में लेके जाना। और आज ओपन कोर्ट के अंदर हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। वो जो मुद्दा है वो हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय के साथ में जुड़ा हुआ है। भारत हमारा देश जो एक देश नहीं है, बहुत सारे राज्यों, बहुत सारी भाषाओं, बहुत सारी बोलियों और बहुत सारी संस्कृतियों का एक मिला जुला संघ है भारत। यहाँ पे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पंजाब से लेके नॉर्थ ईस्ट में हम नागालैंड अरुणाचल तक चले जाएं, हर कदम कदम पे हमारी भाषा, सभ्यता, संस्कृति बदलती रहती है। और जब भारत आज़ाद नहीं था, भारत की अलग अलग देसी रियासतें थीं। हम किसी हिस्से को पंजाब बोलते थे, किसी हिस्से को गुजरात बोलते थे, किसी को कुछ। आज भी हम लोग हमारी आम भाषा में कि पंजाब में रहने वाले को पंजाबी बोलते हैं, राजस्थान में रहने वाले को मारवाड़ी बोलते हैं, साउथ में रहने वाले को हम साउथ इंडियन के नाम पे हम एक ही हमारा पेटेंट वर्ड होता है कि साउथ का मतलब ये मद्रासी है, चाहे वो केरल का हो, चाहे आंध्रा का हो, लेकिन नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उन्हें एक कॉमन वर्ड मद्रासी के नाम से बोलते हैं। महाराष्ट्र वालों को मराठी बोला जाता है। मुद्दा तब आता है एक आज हमारे सामने जो एक सबसे बड़ा देश में एक मुद्दा है वो है नस्ल भेद और रंग भेद वाली टिप्पणी। बहुत पुराना मुद्दा है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका होता था तो अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई केवल दो एक ही मुद्दे पर लड़ी गई थी, गोरी चमड़ी और काली चमड़ी। हमारे देश में अंग्रेज आए, गोरी चमड़ी के थे, वो इंडियंस को ब्लैक कहते थे। यहाँ से शुरुआत हुई थी रंग भेद की। अभी भी हम लोग हमारी मीडिया में खबरें देखते रहते हैं ऑस्ट्रेलिया से लेके यूके में और अमेरिका में नस्ल भेद और रंग भेद का शिकार वहाँ पे हमारे इंडियंस और एशियन के लोगों के साथ में होता रहता है। हम बात करते हैं हमारी इंडिया की। इंडिया में आज जो मेजोरिटी में जो पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है वो है भारतीय जनता पार्टी, जिनका एकमात्र एजेंडा है सबका साथ सबका विकास। सबके साथ सबके विकास की एजेंडा होने के बावजूद दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जहां पे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ में कुछ भाषावादी टिप्पणियां होती हैं, उन्हें चिंकी कहा जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और हालिया जब से यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने हैं वहां पे भी नस्लभेदी और रंगभेदी टिप्पणियाँ हुई हैं, कुछ भारतीयों को वहाँ पर शूट किया गया था। इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर आज का हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम है और हमारे स्टूडियो में एक विक्टिम भी मौजूद हैं जिन्होंने यूएस में इस नस्लभेदी टिप्पणी को उन्होंने उससे वो हैरेस हुए थे। दोस्तों एक कहावत है, हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही काटेंगे। जो जातीय या रंग भेद या नस्ल भेद की टिप्पणी हम हमारे देश में करते हैं दूसरों के साथ में, अक्सर कई लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि मुझे इसने ये कहा, मुझे उसने वो कहा, मुझे उसने जातिवादी टिप्पणी में ये कह दिया। कई बार हम लोगों को बोल देते हैं कि भाई तुम लोग देशद्रोही हो, तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ। किसी को हम लोग मुल्ला बोल देते हैं, किसी को हम लोग कटुआ बोल देते हैं, किसी को चिंकी बोलते हैं। तो ये सारी घटनाएँ हमारे देश में रोकनी पड़ेंगी, तभी जाके हम विदेशों में हमारे नागरिकों की रक्षा कर पाएंगे। आज इसी मुद्दे पे हमारे साथ में स्टूडियो में हैं भाजपा की प्रवक्ता तेजिंदर पाल बग्गा जी और दूसरे हमारे साथ में सहयोगी जुड़े हुए हैं जो नस्लभेदी हिंसा के पीड़ित हैं, शुबो चक्रवर्ती जी। बग्गा जी, आप सत्ताधारी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
जी, मैं आपके जरिए एक छोटा सा 2 मिनट का एक स्टेटमेंट लेना चाहूँगा। इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं, जो भाजपा की जो सोच है सबका साथ सबका विकास, उसके खिलाफ जाती हैं, और हमारे स्टूडियो में जो पीड़ित हैं, मैं चाहता हूँ कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आए, इन्हें भरोसा दिया जाए कि इनकी शिकायत का निवारण होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई भी घटना आती है उस पर विरोध करती रही है, चाहे हम विपक्ष में थे तब भी ऑस्ट्रेलिया में हमारे छात्रों के साथ या अमेरिका में हमारे छात्रों के साथ इस प्रकार की कोई घटनाएं हुई। जी जी, हमने खुद उसमें वहां पे जाके ज्ञापन दिया, उनके जो राजदूत से उनसे मिले और विरोध किया। और आज भी आपको पता होगा कि इस तरह की कोई भी घटना आती है, आप बाकी चीजें तो छोड़िए, कोई व्यक्ति, कोई भारतीय अगर सुषमा स्वराज जी को, हमारे जो विदेश मंत्री, उसको ट्वीट करके भी उनको अगर बोलता है तो वो निश्चित रूप से प्रयास करती है। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण आप लोगों के सामने है, मुझे लगता है कि वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप के जो गेस्ट हैं, मुझे पूरी उस केस की अभी जानकारी नहीं है, वो जो भी उनकी समस्या आई है, जो इस तरह का उनको ऐसा कोई घटना का भुगतना पड़ी है, अगर वो बताते हैं हमें तो मैं उसमें जो भी हम विदेश मंत्रालय के पास पहुंचा के जितनी जल्दी उसमें हल हो सकता है उसमें कराने का प्रयास करेंगे। जी, और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जैसे आप भारत में बता रहे थे इस तरह की कोई घटना होती है नॉर्थ ईस्ट के किसी के साथ, तो आपको बताना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो इस तरीके का कोई भी किसी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के साथ, जैसे पहले चीन किया, इस तरह का कोई भी कहा जाता था, उसमें कड़े कानून, कड़े प्रावधान बनाए कि अगर कोई कहता है तो उनको सजा मिलेगी। जी जी, तो ये कानून भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद आया। जी दोस्तों, इस स्टूडियो में आज हमारे साथ में इसी नस्लभेदी और रंगभेदी टिप्पणी से एक विक्टिम हमारे साथ में मौजूद हैं, शुबो चक्रवर्ती जी, जो पहले US में थे और वहाँ पे इनके साथ में एक घटना हुई थी। मैं चाहता हूँ कि शुबो हमारे इस TV चैनल के माध्यम से दर्शकों तक अपनी ग्रीवियंस बहुत ही संक्षेप में 2 मिनट के अंदर अंदर बताएँ। शुबो, आप बताएँ। हेलो, मैं USA में स्टूडेंट था एक कॉलेज में जिसका नाम है UT ब्राउन्सविल। वहाँ पे मेरे ऊपर एक लड़के ने हरासमेंट किया, उसके बाद असॉल्ट भी किया, और मैंने जब कॉलेज को कंप्लेन किया तो कॉलेज ने एक रेशियल फेवरेटिज्म दिखा के ये केस को दबा दिया और एग्जोनरेट कर दिया उसको, जिसने असेलेंट को, और मुझे कॉलेज जाना पड़ता था हर दिन मेरे असेलेंट के साथ देखा होने का रिस्क में, और कभी कभी मुझे मेडिकल काउंसलिंग भी लेना पड़ता था। ये सब नोटेड है, और उसके बाद ये सब होने के बाद मुझे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से डिटेक्ट किया गया, और मैंने ह्यूस्टन में इंडियन कॉन्सुलेट में भी गया। उधर NPS सैनी बोल के किसी कोई थे जो मेरा पूरा केस सुन के, उन्होंने प्रॉमिस किया कि कुछ करेंगे मगर कुछ नहीं किया। मेरे पास पूरा रिकॉर्डिंग है कन्वर्सेशन का। और इसके बाद अमेरिका में U-Visa बोल के कंपनसेटरी पैकेज होता है, मैं उसका भी अप्लाई करने का कोशिश किया, मगर ब्राउन्सविल पुलिस ने उल्टा सीधा रूल दिखा के दे रिफ्यूज टू साइन ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट साइन करना होता है, वो नहीं साइन किए, और मुझे भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया, तो ये भी बहुत सस्पिशियस एक्टिविटी है। तो ये सब होने के बाद, तब तक मैं दूसरे कॉलेज में PhD करता था, सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, मेरा मेडिकल प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया कि मैं मेडिकल लीव लेके इंडिया चले आया, और इंडिया में मैंने एक फ्री ईबुक भी लिखा है जो सबको मिलेगा, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो फ्री, उसका नाम है स्पॉइल्ड पास्ट फ्यूचर टेंस, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंटेशन है। तो मैं आज चाहता हूँ कि ये न्यूज़ ठीक है। सुबह आपने अपनी ग्रीवेंस जो है हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता तक पहुंचाई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ में बग्गा जी मौजूद हैं, वो आपकी शिकायत को विदेश मंत्रालय में सुषमा जी तक पहुंचाएंगे और आपकी शिकायत के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई। इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इन्होंने अगर कंप्लेन वहाँ पे, नहीं, मेरे पास पुलिस रिपोर्ट से लेके मेडिकल रिपोर्ट सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी मैं कॉपी लेके निश्चित रूप से पहुँचाने का प्रयास करूँ। ये है हमारे ओपन कोर्ट का एक कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा, जिसमें जो हमारी जन सरोकार का जो हमारा एक माध्यम बनता है मीडिया की, हाँ, हम पीड़ित को जो विक्टिम है उसकी बात मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। अब बात करते हैं देश के ताज़ा घटनाक्रमों के ऊपर। देश के ताज़ा घटनाक्रम बड़े तेज़ी के साथ में बदलते जा रहे हैं, और हमारे साथ में जब तेजिंदर पाल बग्गा जी हैं तो देश के ताज़ा घटनाक्रम क्या है राजधानी में,
गर्मी के माहौल में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, और बग्गा जी गर्मी के इस मौसम में भी आप समोसे की प्लेट लेके बैठे हुए हैं, जबकि ये तो सर्दियों में खाए जाते हैं, क्या राज है? देखिए, ये समोसा जो है इसकी कहानी है जी। जी, मैं एक दुकान पे गया जी, तो वो समोसा 7 रुपए का था जी। मैं दूसरी दुकान पे गया, वह समोसा 10 रुपए का था जी। मैं तीसरी दुकान पे गया, वह समोसा 20 रुपए का था। लेकिन पूरी दिल्ली में मुझे वो दुकान नहीं मिली जहाँ केजरीवाल जी ने 1 करोड़ रुपए के समोसे खाए। तो इसलिए लोगों को बताने के लिए कि देखिए, जो व्यक्ति जब सत्ता में आया था वो कहता था मैं एलजी की परमिशन के बिना 5 रुपए का पेन भी नहीं खरीद सकता। वो ये कहते थे कि भाई मैं तो आम आदमी हूँ, मुझे इसलिए वोट दीजिए। वो ट्वीट करके कि देखिए मुझे आज इस चौक पे इस भिखारी ने 5 रुपए मुझे दान में दिए, मेरे पास तो 5 रुपए भी नहीं है जी। जब वो इलेक्शन की रैलियों में कहते थे कि देखिए मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए का एक नोट है, और ये देखिए कैसे लाखों रुपए की एड दूसरी पार्टियां देती हैं, आज जब वो सत्ता में आते हैं तो 18 महीनों के अंदर जनता के टैक्स पेयर के पैसे से 1 करोड़ के समोसे खा जाते हैं। तो उसको दिखाने के लिए आज हम ये समोसे लेके आए। बगैर अब चलिए, समोसे तो देखिए वो देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो, तो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें भूख भी लगती होगी, और 2-4 समोसे खा भी लिए, तो आप लोग बीजेपी वाले इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं उनके समोसे खाने पे? देखिए ऐसा है कि 18 महीने में आपने 1 करोड़ के समोसे खा लिए सिर्फ अपनी कैंटीन से। जी जी, आपको पता होगा कि जब ये सत्ता में आए थे तो आते ही 1 हफ्ते के अंदर वहां में मीडिया को भी बैन लगा दिया था कि मीडिया अंदर नहीं जा सकता। दूसरी चीज, पब्लिक वहां पे वैसे नहीं जा सकती, आम आदमी तो जा ही नहीं सकता। तो केजरीवाल जी ने और उनके मंत्रियों ने मिलके जी, क्या वो तीनों टाइम भी अगर समोसे खाते हो जी, तो मतलब आप ये लगा लो हफ्ते में 5 दिन ऑफिस खुलता है जी। जी, तो 20 लाख समोसे क्या खा गए? हैरानी की बात है कि आप 18 महीने में 20 लाख समोसे खा गए। तो निश्चित रूप से ये सिर्फ समोसे का मामला नहीं है जी, ये समोसे के नाम पे बिल बनाया गया है जी। हर व्यक्ति समझता है अगर आप तीनों टाइम भी समोसे खाओगे तब भी आप 20 लाख समोसे नहीं खा सकते। तो ये समोसे के नाम पे घोटाला है जिसका पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर को देना पड़ा है, जिसका पैसा दिल्ली के जो खून पसीने की मेहनत से कमाई करते हैं उन लोगों को देना पड़ा है। तो ये समोसे के नाम पे एक समोसा घोटाला है। हमारा जो विरोध है वो इस बात पे। बग्गा जी, ऐसा क्यों होता है कि जो MCD के जो चुनाव हैं वो आप लोग, केजरीवाल ने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, वो भ्रष्ट हैं, वो इतने भ्रष्ट हैं, वो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं, इन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप उन मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि 10 साल में MCD के अंदर BJP थी? हम तो निश्चित रूप से उन मुद्दों की तो जिक्र ही नहीं होता। आप केजरीवाल की कमियां गिना रहे हैं। हमारे विज्ञापन देखिए, हाँ, हमारे अगर 10 विज्ञापन होंगे तो 10 में से 8 विज्ञापन हमारे उनके ऊपर होंगे। हमने पिछले 5 साल के अंदर, आप पिछले 5 साल की मैं बताता हूँ, 10 साल के अंदर तो ज्यादा हो जाएगा। बग्गा जी, यदि BJP ने काम किया होता MCD के अंदर तो विज्ञापन की क्या जरूरत पड़ गई? काम तो बोलता है ना सर। नहीं नहीं, काम भी बोलता है लेकिन लोगों को बताना पड़ता है आपकी, आप ये कितने हमने जिम बनाए, अब लोगों आप कैसे बताएंगे? अब उनको बताना पड़ेगा ना, भाई हमने इतने जिम बनाए, हमने इतने नए स्कूल खोले, हमने इतने स्कूल के नए कमरे बनाए, हमने बिजली का ये कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र बनाया। अब पब्लिक को कैसे पता लगेगा कि जाफराबाद में बिजली कूड़े से बिजली बनाने का चल रहा है? तो उसको हम अगर बता रहे हैं विज्ञापन के जरिए तो उसमें गलत क्या है? अच्छा, मतलब नहीं बताए, अगर हम नहीं बताएंगे तो तब भी की बताएंगे। संवैधानिक पद के ऊपर जो भी व्यक्ति बैठा होता है, यदि वो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, तो सरकार की तरफ से उसे मुफ्त आवास दिया जाता है, सरकार की तरफ से उसे सुरक्षा दी जाती है कि भाई उसे कोई एक्सटर्नल थ्रेट ना हो, सरकार की तरफ से उसे मेडिकल सुविधाएं दी जाती हैं कि भाई यदि उसे कोई बीमारी हो गई तो ये हमारी देश, मतलब नेता का मतलब मंत्री वो हमारे देश की एसेट है, तो हमारे देश की एसेट को कोई नुकसान नहीं हो जाए इसके लिए हम उसे बेहतरीन से बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं देते हैं। तो जो एक लीगल एड होती है, लीगल हेल्प, वो भी एक तरह से प्रोटेक्शन ही है जी। तो केजरीवाल जी ने, जब आप केजरीवाल जी को सरकार रहने के लिए घर दे सकती है, उन्हें जेड वाली सिक्योरिटी दे सकती है, उनके मेडिकल बिल के लिए वो बेंगलुरु में जहाँ से इलाज करा के आते हैं एक सेंटर से, उसका भी बिल जब रिएम्बर्स हो जाते हैं, तो जो उनका लीगल सुरक्षा है वो कानूनी कवच के नाम पे यदि मान लो 4 करोड़ रुपये वकील को फीस दे देते हैं तो उसमें गलत क्या है? देखिए गलत ये सुरक्षा का दायित्व तो है ना, उनकी सुरक्षा का दायित्व तो लेना पड़ेगा ना। आपने आप वो जाइए ना, किस चीज़ का आरोप है? अरविंद केजरीवाल जी राजनीति करते हैं जी, लोगों पे आरोप लगाते हैं जी, कहते हैं जी फला आदमी भ्रष्टाचारी है, ये सरकार का काम नहीं है।
ये अब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं जी। उन्होंने इसी तरीके से हमारे नेता श्री अरुण जेटली जी पर आरोप लगाए कि अरुण जेटली जी ने ये भ्रष्टाचार किया है जी। क्योंकि हमारे नेता पाक साफ थे, उन्होंने कोर्ट में डेफिमेशन का केस डाला जी। अब केजरीवाल जी के पास अगर प्रूफ होते वो जाके कोर्ट में देते कि भाई ये पेपर है भ्रष्टाचार के, अरुण जेटली जी झूठ बोल रहे हैं जी, वो कोर्ट में क्या कहा, इस केस को खारिज किया जाए। अगर आपके पास सबूत थे तो क्या जरूरत थी आपको ये कहने की केस को खारिज किया जाए? आप क्यों भाग रहे थे? हम आपको मौका दे रहे हैं, जबकि आपको कोर्ट में जाके कंप्लेन करनी चाहिए थी, देखो जी अरुण जेटली जी ने भ्रष्टाचार किया है, आप इन पे कंप्लेन करिए और भ्रष्टाचार साबित होता है तो जेल में डालिए। कोर्ट में तो हम जा रहे हैं जी, हम कोर्ट में जाके कहते हैं साबित करिए नहीं तो आपको जेल में जाइए। वो कहते हैं इस केस को खारिज कर दीजिए। कोर्ट कहता है ऐसे आप नहीं भाग सकते कि किसी भी व्यक्ति पर आप जो समाज के अंदर जिनकी एक इतनी बड़ी रेपुटेशन है, आप छोड़ दीजिए नेता के, वो इतने बड़े वकील हैं, आप किसी भी व्यक्ति पे आरोप लगा के भाग नहीं सकते। तो उनका 40 साल का सामाजिक जीवन है जी। तो आज तक कोई आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा के कैसे भाग सकते हैं? तो दो बार उन्होंने पहले हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उस केस को खारिज करने का अपील डाली। तीनों कोर्टों ने जो उनकी अपील थी उसको खारिज कर दिया। फिर उसके बाद वो आरोप किसने लगाए थे? दिल्ली सरकार ने नहीं, वो आरोप अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए थे। तो जो डेफिमेशन केस है अरविंद केजरीवाल जी पे है। अब अरविंद केजरीवाल जी अरुण जेटली जी से लड़ने के लिए एक वकील करते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए एक वकील करते हैं राम जेठमलानी जी को जी। उनकी जो फीस है 1 करोड़ रुपए और उनकी जो पर हेयरिंग फीस है 22 लाख रुपए। अभी तक जो 14 या 15 हेयरिंग हुई है कुल मिला के 4 करोड़ रुपए दिया जा चुका है, या उसमें उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि 4 करोड़ रुपए दिया जाए सरकार की तरफ जी। अब 4 करोड़ के अलावा अब ये मीटर रुका तो नहीं है जी। जितनी तारीखें आगे बढ़ती जाएगी दिल्ली के पैसे से 22 लाख रुपए वो देते रहेंगे जी। हमारा कहना ये है आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आरोप लगाते हैं तो अगर आप पे डेफिमेशन केस होता है तो वो पैसा आप दीजिए ना। दिल्ली की जनता आपकी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की पैसे क्यों दे? आप राजनीति करना चाहते हैं अपने पैसे से करिए, अपने पार्टी के पैसे से करिए। दिल्ली की जनता वो जुर्माना करेगी जो राजनीतिक आरोप लगाते हैं आप साबित नहीं कर पाते हैं। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, आज हर सरकार के पास एक अपना वकील होता है जो सरकार का अटॉर्नी जनरल होता है, जो राहुल मेहरा है जिनको सरकार लाखों रुपए महीने की फीस देती है। आप उस अटॉर्नी जनरल के जरिए क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि आपको पता है आप झूठे थे, आपके पास कोई सबूत नहीं थे, इसलिए आप बड़े से बड़ा वकील करते हैं ताकि अरुण जेटली जी को आगे आप हार ना जाए, आप जेल में ना चले जाए। तो हमारी आरोप ये है, हमारा कहना ये है कि जो पैसा है वो आप अपनी जेब से दीजिए। अच्छा, आपकी है बग्गा जी, दिल्ली की जनता आपकी लड़ाई का पैसा क्यों? राजौरी गार्डन से जो आपकी जीत हुई है तो राजौरी गार्डन की जीत भाजपा की जीत है या जनरल सिंह के खिलाफ वहां के वोटर्स का गुस्सा है? देखिए वो जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की है, हमारे कार्यकर्ताओं की है, और जो लोग नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास जताते हैं उस विश्वास की। लेकिन उनमें कहीं ना कहीं आपको जनरल सिंह के खिलाफ जो वोटर्स का जो गुस्सा है उसका फायदा नहीं मिला आपको? नहीं, देखिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। 2.5 साल पहले जब वो आए थे वो सीट को उन्होंने 11,000 वोटों से जीता था जी। आज उतने वोट नहीं मिले आम आदमी पार्टी को जिसने वोट से वो जीते थे जी। तो निश्चित रूप से गुस्सा है। आपने 15 लाख सीसीटीवी का वायदा कर दिया जी। आपने आज मैंने एक आरटीआई को ट्वीट किया है 2.5 साल में 7 सीसीटीवी लगवाए। आपने वुमेन कमांडोस, वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए कमांडोस का वायदा कर दिया, आपने एक कमांडो नहीं लाए। तो इस तरीके से आपने 20 कॉलेजेस का वायदा किया, एक कॉलेज बंद हो गया। आपने 500 स्कूल का वायदा किया, एक नया स्कूल आपने नहीं खुलवाया। तो इस तरीके के फर्जी वायदे करके आप आके एक बार सत्ता में, आपने फ्री वाईफाई का वायदा किया था, आपने एक जगह वाईफाई का हॉटस्पॉट नहीं लगाया। तो आप इस तरीके के फर्जी वायदे करके एक बार तो सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने बता दिया कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जितने की आप थाली खा गए थे उतने तो आपको वोट नहीं पड़े। तो ये बताता है कि दिल्ली की जनता अब आपको माफ करेगी नहीं। सर मुझे बग्गा जी एक चीज बताइए, जो ये थाली की जो चीज़ें होती हैं, जो थाली वाला जो बिल आ रहा है 16,000 रुपये समथिंग का, 12,000 प्लस टैक्स वैक्स मिला के जो 16,000 रुपये की थाली आ रही है, तो ये जो थालियों की जो बिल हैं या फाइल हैं
इन्हें लीक कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी वाले तो जाहिर सी बात है उन बिलों को लीक करेंगे नहीं पब्लिक डोमेन में। एलजी ऑफिस से क्या मतलब, एलजी ऑफिस में भाजपा के एजेंट है जो उन फाइलों को मतलब लीक करते हैं, वो भी स्पेशली चुनाव के टाइम पर ही ऐसे मुद्दे निकल के क्यों आते हैं? जैसे समोसे वाला मुद्दा मैंने आपको बताया, ये समोसे वाला मुद्दा एक आरटीआई के द्वारा बाहर आया। हमने पूछा भाई कि आपने कितने का समोसे का मुद्दा, तो आरटीआई से आया लेकिन जो 16,000 बिल थे जी जी, बिल हमने देखे, बिल हमारी नजर में आए तो हमें ये नजर पता लगा कि इस तरह से आपने इतने का 16,000 की थाली खा ली। तो जब हमने आरोप लगाया, आरोप देखिए आरोप नहीं है, हमारे पास तो बिल है, हम कह रहे हैं भैया सफाई दो, आप 16,000 रुपए की थाली खा रहे हो दिल्ली की जनता के। मैं वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि 16,000 रुपए का खाना उन्होंने खाया, बिल दिया किसी एक्स कंपनी ने, वो बिल कंपनी ने नहीं दिया सर, दिल्ली की जनता ने बिल दिया। नहीं नहीं मतलब वो जिस भी वेंडर कंपनी से या जिस भी होटल से या जिस भी कैटरिंग कंपनी ने बिल दिया होगा, उन्होंने बिल दिया, वो उनका इंटरनल डॉक्यूमेंट था, वो बिल आया, वो बिल पास। राजनीति में और सरकार में कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं होता, सरकारी दस्तावेज हमेशा फाइल में होते हैं जी जी। और वो ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी की होती है कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती। जी जी नहीं, तो वो जो फाइल जो थी, फाइल तो एलजी ऑफिस में थी। अब सिसोदिया जी ये कहते हैं कि उन फाइल के पन्ने जो है वो जानबूझ के सीएम ऑफिस से ही तो गई थी एलजी ऑफिस में। जी जी हाँ, तो उनका यही कहना है कि भाई एलजी ऑफिस से जो फाइलें हैं वो लीक होती हैं। सर ऐसा है, 2 साल का जब ये हुआ, आप अगर गूगल में करेंगे तो उस समय बड़ा विवाद बना था, तो फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे की चीजें हैं क्योंकि उस समय इन्होंने बड़ा सा अपने घर के ऊपर वो किया और 16,000 रुपए की आपने लोगों को पार्टी की, तो उस समय भी ये विवाद बना था। तो वो अपना बिल आए सामने जब, तो उसके विषय पे हमने विरोध किया उसका। जी जी मतलब बग्गा जी का ये कहना है कि 16,000 रुपए की थाली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, होती ही नहीं है। नहीं नहीं देखिए आप निश्चित रूप से इसमें 16,000 रुपए की थाली में आप क्या खा रहे हैं, तो आप 16,000 रुपए की थाली दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं जी। कि भाई जो केजरीवाल जी कहते थे मैं 500 रुपए का पेन नहीं खरीद सकता, अब अपनी 2 साल की पार्टी का जश्न मनाते हैं, अब 16,000 की जगह 16,00,000 की थाली खाओ, अपने पैसे से खाओ ना जी। हमारा कहना है आप दिल्ली की जनता के पैसे से क्यों इस तरह से बर्बाद कर रहे हो? तो आपको लगता है कि राजौरी गार्डन में जो आपको मैंडेट मिला वो बाकी की एमसीडी के एरिया में भी आपको मिलेगा? निश्चित रूप से हमारा कहना यह है कि जो दिल्ली की जनता है वो केजरीवाल जी से अब निराश हो चुकी है जी। क्योंकि केजरीवाल जी ने जो वायदे किए थे, और चाहे कांग्रेस हो या चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों से दिल्ली की जनता ने बता दिया है कि अभी हम आपके धोखों में आने वाले नहीं हैं। पहले 15 साल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक शीला दीक्षित जी की सरकार में लोकतंत्र मचा, और ये लगा लो कि इसको तो खुद कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया है, शीला दीक्षित जी को अपने 60 लोगों के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं डाला, तो ये अपने आप में एक एक्सेप्टेंस है जी। और अजय माकन जी जो दिल्ली के अध्यक्ष है, उनकी तो आम आदमी पार्टी की तो जमानत जब्त हो गई। अजय माकन जी जहां रजौरी में अपने घर में रहते हैं, जो कांग्रेस के मुखिया हैं, वो अपने बूथ से हार गए, और ये नहीं हारे ही नहीं, 3 नंबर पे आए। सर माकन जी तो चुनाव नहीं लड़ रहे थे ना? नहीं नहीं सर, जो प्रदेश अध्यक्ष है जिनके नेतृत्व में पूरी दिल्ली में चुनाव लड़ा जाना है, वो जहां रहते हैं, जहां उनका घर है, वो अपने बूथ से अपना बूथ अगर नहीं जिता पाते, बूथ का मतलब क्या होता है, मैं और मेरे आसपास के 100-150 घर जी, अगर मैं अपने जहां रहता हूं वहां जो उनका गढ़ है, वहां अपने 150 आसपास के गढ़ के आसपास के 150 घरों को अगर मैं अपने कांग्रेस के प्रति वोट नहीं दिला सकता, तो क्या हालत है कांग्रेस की, इससे दर्शाता है। सर कई महिला कार्यकर्ताओं ने जब उनको एमसीडी के अंदर टिकट नहीं मिला था तो आरोप लगाए थे कि भाई बीजेपी के अंदर टिकटें बिक रही हैं, उनको दरकिनार करके किसी दूसरे को टिकट दे दिया, इतना पैसा लेके टिकट दे दिया, ऐसे आरोपों पे क्या है आपका स्टेटमेंट? भारतीय जनता पार्टी पे एक भी ऐसा आरोप कि टिकट बिकने का है ना आज तक आया है, और ना उस पे हम आपको ना इस तरह से कभी कोई हमारे नेता में किया है जी। हमने पहली बारी इस बार जो हुआ, हमने कहा कि राजनीतिक लोगों के अलावा अगर कुछ सामाजिक लोग हैं वो भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो करें। और मैं आपको बताता हूं, जो युवा हमारे जो इस बार टिकटे हैं 272 सीटों के लिए 35,000 लोगों ने उस पे अप्लाई किया जी। अब उसका
पहले देखा कि उसमें ये 16 लोगों की हमारी जो चुनाव समिति थी उसमें देखा गया कौन से व्यक्ति ने इस वार्ड में सबसे ज्यादा सामाजिक कार्य किया है। तो 16 लोगों की टीम होती है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति अध्यक्ष बन गए या एक महामंत्री बन गए तो अपने घर पे बैठ के कर रहे हैं। 16 लोगों की समिति होती है, वहां बैठती है, उन सभी बायोडाटास को फिल्टर किया जाता है और उसके बाद वो होता है। तो इस तरीके का कोई भी आरोप है भारतीय जनता पार्टी में। अभी जो कश्मीर में जो वोटिंग का परसेंटेज एकदम डाउन परसेंटेज गया, 6.5% वोट आए, तो ये वहाँ के वोटर्स का खुद का उनके अंदर की विल थी कि उन्हें इस बार वोट ही नहीं देना, वोट का बहिष्कार करना है, या वो बीजेपी पीडीपी जो गठबंधन है वो उसका बॉयकॉट कर रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वहाँ पे जो माहौल था, कुछ पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही थी या जो वायलेंस की घटनाएं हो रही थी जिसके कारण वोटिंग परसेंटेज कम हुई है। जी जी, हमेशा इस तरीके की धमकियां आती हैं जी, लेकिन कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग 60% 65% मतदान देते हैं, लेकिन इस प्रकार जो पत्थरबाजी की घटनाएं चल रही थी जिस कारण बहुत से लोग वोटिंग के लिए नहीं जा रहे। ये फेलियर तो गवर्नमेंट का ही है ना सर? नहीं नहीं, देखिए सरकार को अभी आए आपको वहाँ पे 1.5 साल हुआ है जी जी। तो सरकार अपने अब जो 65 सालों से चीजें हैं आप 1.5 साल में चेंज नहीं कर सकते जी जी। लेकिन वहाँ पे चेंजेस होनी, आपको डेवलपमेंट दिखाई देगा जी जी। जिस तरीके से वहाँ पे सेना के हाथ बांधे हुए थे, उस सेना के हाथों को खोला गया है। अभी भी कहाँ खोला गया सर? हाँ तो अभी भी बंधे हुए, एक वीडियो घूम रहा था, एक वो कश्मीर के कुछ युवक थे, वो एक सिपाही को सर अगले दिन सेना ने बता दिया ना कि किस प्रकार से अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो सेना ने इशारा कर दिया है कि किस तरीके से वो किया जाए आपके साथ अगर आप किसी भी सेना के, तो वो सेना इसीलिए कर पा रही है क्योंकि सरकार ने पीछे से उनको समर्थन दिया हुआ है जी। चलिए हमारे साथ में थे तेजेंद्र पाल बग्गा जी, हमने उनके साथ में कई सारे मुद्दों के ऊपर बात की, स्पेशली कश्मीर से लेके हम दिल्ली की एमसीडी, हमने उनके साथ में कश्मीर से लेके दिल्ली एमसीडी चुनाव में और केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार के बारे में भी हमने उनसे बात की। बग्गा जी की बातों से हमें ऐसा ही लगता है कि दिल्ली में एकमात्र एक ही भ्रष्ट आदमी है, वो है आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी। बाकी एमसीडी के अंदर जो बीजेपी का पहले 10 सालों पिछले 10 सालों से जो बोर्ड चल रहा है वो एकदम गंगा स्नान करके एकदम पवित्र है, उसने कोई भी करप्शन नहीं किया गया है। जबकि केजरीवाल जी ऐसा आरोप लगाते रहते हैं कि एमसीडी के अंदर बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए वो 4 करोड़ रुपए फीस दे रहे हैं। खैर आज का जो हमारा ओपन कोर्ट के कार्यक्रम का एक मोटिव था कि रंग भेद और नस्ल भेद की टिप्पणी से जो एक विक्टिम हमारे साथ में शुबो चक्रवर्ती जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी ग्रीवियंस को हमारे इस शो के माध्यम से विदेश मंत्रालय में सुषमा जी तक पहुंचाया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं बग्गा जी इनकी इस ग्रीवियंस को विदेश मंत्री तक सुषमा जी तक पहुँचाएंगे और इनकी ग्रीवियंस को रिजॉल्व किया जाएगा। कल आप ओपन कोर्ट में देखेंगे एक हमारा स्पेशल शो चुनाव आयोग और इनकम टैक्स, हालिया विधानसभा चुनाव में जिन जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है उनके इलेक्शन एफिडेविट को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चुनाव आयोग ने आयकर विभाग को आदेश दे दिया गया है। इसी विषय के ऊपर कल हमारा ओपन कोर्ट का एजेंडा रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। बग्गा जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका खास बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। सुबह शुक्रिया आप आए, उम्मीद करते हैं आपकी ग्रीवेंस सॉल्व होगी। मैंने तो बहुत बार ट्वीट भी किया सुषमा स्वराज जी को ऑलरेडी। होगा, कल फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ में, देखते रहिएगा ओपन कोर्ट कल शाम 5 बजे इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। ओपन कोर्ट वाज ब्रॉट टू यू बाय वेलनेस पॉडकास्ट।